हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आदमी है, उम्र है 32 साल। हाल ही में इसे दिल का दौरा पड़ा है, शायद 2-3 महीने में। शराब और सिगरेट पीने की बहुत बुरी आदत है इसे। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं करता है। और तकदीर वाला है, शादी नहीं की इसने। सर लगता है बोलती बंद हो गई। के साथ सिर्फ एक उंगली से आपने इस आदमी का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल लिया। नहीं फ्रेडी, एक उंगली से नहीं, बल्कि एक उंगली के इस छोटे से नाखून से मैंने इस आदमी की पूरी कुंडली खोल डाली। अरे अमीषा यार, सूरज पश्चिम से निकला था क्या? मैं हैरान हूँ कि तुम्हारे पापा ने मेरे साथ घूमने जाने की परमिशन कैसे दे दी। परमिशन देने की एक खास वजह थी। क्या वजह भाई? उन्हें तुम्हारा एक गहरा राज पता चल गया है। राज? कैसा राज? वो लगता है बड़ी जल्दी में। जाने दो उसे। चल यार जा जा। अरे मैम क्या कर रही हो, आराम से चलो ना। गाड़ी के ब्रेक काम नहीं कर रहे। ओह नो, हैंड ब्रेक खींचो, हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक खींचो। हैंड ब्रेक से काम नहीं कर रहा। सॉरी, आगे का रास्ता बहुत खराब है, कुछ करो। एक काम करो, गाड़ी की स्पीड स्लो करो, कूद जाओ। मैं नहीं कूदूंगी, डर लगता है मुझे, मैं नहीं कूदूंगी। अपनी जान बचानी है तो कूद जाओ। नहीं, मैं नहीं कूदूंगी। मरने से अच्छा है जान बच जाएगी तुम्हारी, कूद जाओ। खून बहुत बह रहा है, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। एम्बुलेंस नहीं चाहिए, वो मेरी गाड़ी में से बैग निकालो मेरी गाड़ी में से जल्दी। अरे मैम आपको बैग की पड़ी है, अपनी हालत तो देखिए, ऐसा क्या है उस बैग में? उस गाड़ी में 1 करोड़ रुपए। निकालो उसे, जल्दी निकालो। काम की बात पता चली? हाँ सर, इस गाड़ी की ब्रेक लाइन कटी हुई है, ये देखिए। मतलब जानबूझ के ब्रेक फेल की गई है। अरे यार डांस मत कर, काम कर। गरम रेडी सर, मान लो आपको इतने सारे पैसे मिल जाए तो आप उन पैसों का क्या करोगे? वाइफ से पूछ के बताऊंगा। वाइफ से पूछ? सर पैसे इस बैग में। इतने सारे रुपए लेके ये जा कहाँ रही थी? एक बार होश में आ जाए तो कहानी पता चले। सर ये तो अच्छा हुआ
ये दोनों उस वक्त यहाँ थे, नहीं तो पायल की जान भी जा सकती थी। ये बात तो है, आप लोगों ने अच्छे नागरिक होने का हक अदा किया है। थैंक यू सर। आप अपने एड्रेस और नाम वगैरह दे दीजिएगा, जरूरत पड़ेगी तो कॉन्टेक्ट करेंगे। सर ये देखिए। माय गॉड, लाश की हालत देख रहे हो कितनी खराब है। पहले ये एक्सीडेंट का शिकार हुई और उसके बाद आग के हवाले। इतनी बुरी हालत है कि चमड़ी अंदर तक जल गई है। तो कुछ पता नहीं चल सकता क्या लाश के बारे में, किसकी है, कैसे मरा? ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन एक बात साफ दिखाई दे रही है, इसकी ये उंगली कटी हुई है। इसी एक्सीडेंट में कटी थी उंगली या फिर इस आदमी की उंगली पहले से ही नहीं, ये बताना मुश्किल है। अगर ये उंगली एक्सीडेंट में कटी है तो क्राइम सीन पे ढूंढते हैं, उंगली मिल गई तो इस केस में बहुत मदद हो जाएगी। और पाल से भी पूछ लेते हैं कि अपने कार के डिक्की में ये किसकी लाश लेके घूम रही थी वो। मेरी गाड़ी की डिक्की में लाश किसकी, किसकी हो सकती है? ये सवाल हम तुम्हें पूछ रहे हैं पायल, वो लाश किसकी थी? विश्वास कीजिए मेरा, मैं नहीं जानती कि मेरी गाड़ी की डिग्गी में वो आदमी कहां से आए। और वो 1 करोड़ रुपए, उसके बारे में तो तुम जानती होगी हैं? देखो पाए, तुम्हारी ये खामोशी ना तुम्हारी मदद करेगी ना हमारी। तुम्हारी गाड़ी में हमें 1 करोड़ रुपए मिले हैं, गाड़ी के डिक्की में एक लाश मिली है, तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक्स फेल किए गए थे पाए, तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई तुम्हें मारना चाहता था, तुम्हारी जान लेना चाहता था, समझ रही हो तुम? मेरे पति आलोक किडनैप हुआ है उनका। क्या आलोक किडनैप हो गया? कब हुआ ये और तुमने पहले क्यों नहीं बताया हमें? कल रात पुणे से वापस आने वाले थे, पहुंचे नहीं। बहुत बार फोन भी ट्राई किया लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा था। सारी रात टेंशन में कटी, सुबह किसी का कॉल आया, उन्होंने कहा कि अगर 1 करोड़ रुपए नहीं पहुंचाए तो आलोक को कहीं वो लाश आलोक। नर्स को बुलाओ जल्दी। पायल संभालो अपने आप को। नर्स जल्दी आइए। नर्स प्लीज जल्दी कीजिए। पायल रिलैक्स। पायल। रिलैक्स। मैडम आप ठीक तो है ना? एक बात बताओ, उन किडनैपर्स ने तुम्हें पैसे लेकर कहां पे बुलाया था? लोनावला के एक घर का एड्रेस दिया था, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो कोई था ही नहीं, वो घर बिल्कुल सुनसान था। फिर उसके बाद मेरे पास किडनैपर का कॉल आया,
उसने कहा कि मुंबई वापस आ जाओ और रास्ते में गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई। ठीक है पायल, अब तुम आराम करो, हम बाद में आएंगे। एक बात, आखिरी सवाल पायल, ये बताओ क्या आलोक की हाथ की सारी उंगलियां सही सलामत थी? मेरा मतलब है क्या उसके दाहिने हाथ की ये उंगली थी? जी हाँ, उनकी सारी उंगलियां बिल्कुल ठीक ठाक थी। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि पायल, उस लाश के दाहिने हाथ की ये उंगली गायब है। इसका मतलब वो आलोक की लाश नहीं। आलोक ठीक है, वो जिंदा है। हो सकता है, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। सर पायल का फोन चेक कर लिया, उसे वाकई कॉल आए थे। कॉल आए थे? जी सर। कहाँ से आए थे? सर एक नंबर चूनापट्टी का और एक घाट को पड़ता, दोनों काफी बिजी रहने वाले पीसी हुए, इसलिए पता नहीं चला कि कॉल आए कहाँ से। एक बार वो कटी हुई उंगली मिल जाए ना, तो फिर ये केस तेजी से आगे बढ़ेगा। उसी तेजी से सर, जिस तरह फ्रेडी सर ट्रेडमिल पे भागते हैं। अरे यार, फ्रेडी के ट्रेडमिल वाली नहीं, ऐसे तो साल भर लग जाएगा केस में, हमें जल्दी ढूंढना है। चेक करो। सर, सर मुझे लगता है कि कार जब खाई में गिरी तो इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि कार की डिक्की अपने आप खुल गई और लाश की उंगली कट गई। हो सकता है, कार की डिक्की में उंगली तो मिली नहीं, इसका मतलब ये साफ है कि उंगली यहीं कहीं है इसी जंगल में। ध्यान से ढूंढो। शाबाश। नजर चिल कौओं जैसी है। अब बता पंकज, मेरी ट्रेडमिल पे जोक मारेगा तू? हाँ ठीक है ठीक है, बाकी का जोक अब साणू के साहब के सामने मार। क्या हो रहा भाई, क्या घुसपुस क्या हो रही है? सानू के साथ हाँ, आप फेंक तो नहीं रहे? नहीं, नाखून देख के कोई इतना सब कुछ कैसे बता सकता है? ला अपने नाखून दिखाओ। दिखा ना, ला तुम्हारे दो। पर इसके लिए उंगली तो नहीं काटनी पड़ेगी ना? काटनी तो पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं वैसे ही बता देता। बकरना पंकज, आज तुमने पालक पनीर खाया खाने में? अरे आपको कैसे पता चला? ये देखो अपने नाखूनों को देखो, पालक पनीर फंसा हुआ है अभी तक। हाथ साफ नहीं किए तुमने ना। हो गया, या किसी को कुछ और पूछना है? बस इतना कि इतना सब कुछ आपको एग्जैक्टली कैसे पता चला? बड़ी सिंपल सी बात है अभिजीत, इस आदमी की उम्र का पता लगा इसकी उंगली की हड्डी को देखकर। और वो दिल के दौरे वाली बात? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो तुम इसके नाखून पर, ये सीधी लाइन बताती है कि इस आदमी को कोई गंभीर बीमारी थी, जैसे दिल की बीमारी। मतलब कि हार्ट अटैक। और ये सिगरेट और शराब की बात तो इसके नाखून के कलर से ही पता चल गई होगी आपको। माय गॉड सर,
ये बताइए ना कि वो दूध नहीं पीता था, ये आपको कैसे पता चला? देखो पंकज, यहाँ देखो, इसके नाखून में यहाँ ये जो सफेद सा पैच है ना, ये बताता है कि इस आदमी को कैल्शियम की कमी थी। और कैल्शियम की कमी तभी होती है जब इंसान दूध या दूध से बनी हुई चीजें नहीं खाता है। सालों के साथ सबसे बड़ी बात, नाखून देख के आपको ये कैसे पता चला कि इस आदमी की शादी नहीं हुई है? मजाक था। अरे मजाक था यार, काम ही काम करेंगे, मजाक नहीं करेंगे। आलोक के घर वालों ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट भेजी है। क्या हुआ, आलोक का ब्लड ग्रुप मैच हुआ उंगली के साथ? नहीं, उंगली का ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव और आलोक का है ए पॉजिटिव। नो, पायल की गाड़ी में जो लाश मिली थी वो आलोक की नहीं, किसी और की है। आलोक की किडनैपिंग में जाना कब ये किसकी लाश आ गई? रोना वाला घर यही है जहां पे पायल आई थी। घर का कोना कोना छान मारो और संभाल के, किडनैपर्स अंदर हो सकते हैं। अंदर कुछ नहीं मिला सर। मतलब पायल को यहाँ बुलाना एक बहुत बड़ी साजिश थी। ये देखा तुम लोगों ने, घसीटने के निशान और ये टायर मार्क्स। तो हुआ कुछ ऐसा होगा। उस रात पायल ने अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी की है। पायल गाड़ी से नीचे उतरी, अपने पति को ढूंढने के लिए बंगले के मेन गेट की तरफ भागी। जब पायल बंगले के उस तरफ थी तो किडनैपर्स आए और उन्होंने लाश को टिक्की में डाल दिया। और उसी वक्त एक किडनैपर ने गाड़ी के ब्रेक फेल कर दी। और जब पायल यहां वापस आई, लाश डिक्की के अंदर और गाड़ी के ब्रेक फेल। पर किडनैपर्स का पायल को यहाँ बुलाने का मकसद पैसा नहीं, उसकी मौत थी, वरना उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल नहीं किए जाते। पता है एक ज्योतिषी ने मुझसे क्या कहा था कि आज मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिलने वाला है, जो बहादुरी वाले काम करता होगा, जो दिखने में लंबा चौड़ा और गोरा होगा। Excuse me, हम लोग CID से। CID से? मतलब बहादुरी वाला काम करने वाले? Excuse me, ma'am. कहाँ खो गई आप? Hello. Hello. Oh, sorry. हम लोग CID से, हमने ही आपको फोन किया था। हमें उन पेशेंट्स की फाइल्स चाहिए जिनकी उम्र 32 साल की है और जिन्हें हार्ट अटैक हुआ था। जी हाँ, मैंने निकाल के रखी है। तीन मरीज मिले हैं, इनमें से दो के ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव और एक का है ए नेगेटिव। नाम है आर्यन और कटी हुई उंगली का ब्लड ग्रुप भी ए नेगेटिव है।
इसका मतलब है ये लाश आर्यन की ही है। आर्यन कहा ना कि आर्यन अभी वापस नहीं आए हैं, जब आ जाएंगे तब मैं आप लोगों को बता दूंगी। ये आर्यन का घर है ना? जी। आप? जी मैं उनकी असिस्टेंट रीटा। और आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? कुछ हो गया है क्या आर्यन को? रीता, हमें एक लाश मिली है और हमें शक है कि वो लाश आर्यन की है। ये आर्यन कुछ दिनों से घर से गायब था। सर, दो दिनों से उनको कुछ नहीं पता था। अभी ऑर्गेनाइजर्स के ही कॉल आ रहे थे। वैसे आर्यन की आखिरी अपॉइंटमेंट या मीटिंग किसके साथ हुई या किसके साथ होने वाली थी, कुछ लिख के रखा है तुमने? सर, पहले वो के रिकॉर्ड्स के मालिक से मिले, फिर अपने बैंड के साथ रिहर्सल की, उसके बाद वो पायल के साथ लंच पे गए और फिर एक मिनट। पायल के साथ लंच? ये पायल कौन है? सर, पायल उनकी बहुत अच्छी दोस्त है। क्या ये वही पायल है? हाँ, यही है पायल। आप जानते हैं इसे? रीता, ये आर्यन के साथ और कौन होता है घर में? सर, एक बूढ़ी माँ है बस, जो अभी कोलकाता में है। उसका एड्रेस दे दो हमें। हाँ सर, इसी डायरी के लास्ट पेज पर है। काम करते हैं, आर्यन की माँ का ब्लड सैंपल मंगवाते हैं, देखते हैं डीएनए मैच करके पता चल जाएगा कि वो कटी हुई उंगली उस जली हुई लाश की है या किसी और की। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ सर। ये आर्यन की माँ का जो ब्लड सैंपल मिला था, उससे कुछ पता चला? हाँ, उसकी डीएनए रिपोर्ट भी आ गई है और उससे पता ये चला है कि वो कटी हुई उंगली जो है वो आर्यन की है, और हो सकता है कि ये लाश भी आर्यन की हो। एक मिनट, ये कटी हुई उंगली आर्यन की है ये तो साबित हो गया था, तो जरूरी तो नहीं है ना कि लाश भी आर्यन की हो। हा? आपको लाश का डीएनए तो मिला नहीं है। यही तो मैं कब से ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ दया, कि कहीं कोई ठीक ठाक स्थिति वाला टिश्यू भी मिल जाए, और आंसू पोंछने के लिए कोई टिश्यू पेपर भी नहीं मिला। मजा का टाइम है ये। दिखने रात तारिका जी कितनी परेशान है, काम धाम कुछ नहीं। और तो चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि कटी हुई उंगली के साथ साथ ये लाश भी आर्यन की। अब सवाल ये उठता है कि आर्यन की लाश पायल के कार में कैसे और क्यों? वही तो, ये पायल तो किडनैपर्स को पैसा देने के लिए जा रही थी ना, तो बीच में आर्यन कहां से आ गया? अरे सर, आर्यन की असिस्टेंट बता रही थी ना कि आर्यन और पायल बड़े अच्छे दोस्त थे। अच्छा, ये चक्कर है, पति पत्नी और दोस्त। पायल जी, घर पे भी दवाइयां टाइम से लेते रहिएगा, जल्दी ठीक हो जाएंगी। थैंक यू सिस्टर, बहुत ख्याल रखा है आपने मेरा। थैंक यू वेरी मच। सर, कुछ पता चला किसकी लाश थी वो? जी हाँ, पता चला है, तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त आर्यन की है। क्या? पायल, 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 संभाल, आओ इधर बैठो, आराम से ध्यान से बैठो इधर। पानी पियो। हाँ तो पायल जी, बताइए आपके और आर्यन के संबंध के बारे में। दोस्ती से कहीं बढ़कर रिश्ता था हमारा। क्या आलोक जानता था तुम्हारी और आर्यन की इस दोस्ती के बारे में? नहीं, आलोक को पड़ी ही कहाँ थी मेरी। मेरी जिंदगी में क्या होता है क्या नहीं होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था।
बहुत जल्दी अलग होने वाले थे हम लोग, फिर मेरी मुलाकात आर्यन से हुई, फिर से जीने लगी थी मैं। आलोक को मालूम नहीं था कि आर्यन का पत्ता आलोक ने तो नहीं काटा अपनी नकली किडनैपिंग की, आर्यन को मारा और फिर उसकी लाश को पायल की गाड़ी के डिक्की में रख दिया और फिर पायल की गाड़ी का ब्रेक काट दिया। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता ये सर। मेरा बेटा, मेरे बुढ़ापे में मेरा नाम इतना खराब नहीं कर सकता। आलोक, ये क्या किया? मोहन जी, आखिरी बार कब मिले थे आप आलोक से? सर 3 दिन हो गए, पुना जाने से पहले मिला था। तो क्या आपको आलोक के बर्ताव में कुछ बदलाव नजर आया, कुछ अजीब सी बात? हाँ, वो पुना जाने के बाद मैं उसके कमरे में गया था, वहां मुझे एक लिफाफा मिला था, ऐसा तोड़ा मरोड़ा था जैसे किसी ने अपना पूरा गुस्सा उसके पर निकाला हो। क्या क्या था उस लिफाफे में? वो तो मैंने देखा नहीं। अगर वो लिफाफा है अभी भी तो मैं उसे देखना चाहूंगा। देख रही है ना, किसी ने आपके और आर्यन के फोटोग्राफ्स आलोक को भेजे हैं। प्राइवेट डिटेक्टिव सर्विस, VK डिटेक्टिव। इसका मतलब आलोक ने मेरे पीछे किसी डिटेक्टिव को लगाया हुआ था? हाँ पायल जी, लगता तो ऐसा ही है, पर मिलना पड़ेगा इस VK डिटेक्टिव से। डिटेक्टिव मनीष, ठीक पहचाना आपने। क्या करें, डिटेक्टिव का पेशा ही ऐसा होता है कि कुछ भी करना पड़ता है। खैर, आप बताइए किस पर जासूसी करवाना चाहते हैं? CID को प्राइवेट डिटेक्टिव की जरूरत नहीं पड़ती। CID? ये फोटो तुमने खींचे? हाँ, ये पायल कुमार केस में मैंने खींची थी। किसके कहने पे? उसी के पति आलोक के कहने पर। आलोक? हाँ, और जैसे ही मैंने उसे ये फोटोज दिखाई, उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे 2000 वोल्ट का झटका लगा। अजीब अजीब बातें करने लगा कि पायल को छोड़ेगा नहीं, उसे मार डालेगा, खत्म कर देगा। ठीक है मैंने, थैंक यू वेरी मच। आलोक को जो कुछ करना था उसने कर दिया, अब बारी CID की है। भाई आलोक जुर्म करके भागा है या नहीं भागा है ये तो नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि ये लाश आर्यन की नहीं है। हमें इस जली हुई लाश में से बड़ी मुश्किल से टिश्यूज मिले। उसमें से हमें DNA मिल गया। की बात, DNA मिला ना सर? दया, हम लोग कभी कच्ची बात करते नहीं, फिर भी अगर आप लोगों को कंफर्मेशन चाहिए चाहिए तो भैया तारिका खड़ी है ना सामने, पूछ क्यों नहीं लेते? नहीं, तारिका जी ने बोल दिया, इसमें कंफर्मेशन की क्या बात है? नहीं, वैसे कंफर्म ये करना है कि उंगली जो है वो तो आर्यन की है ना? जी हाँ, ये कंफर्म है कि उंगली आर्यन की, और ये भी कंफर्म है कि ये लाश आर्यन की नहीं है। तो फिर ये लाश किसकी है? कहीं ये
पायल के पति आलोक की तो नहीं? ये लाश आलोक की है या नहीं ये बात अब हमें उनके पिता मोहन जी बताएंगे। नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगा लेकिन डीएनए टेस्ट के लिए कोई सैंपल नहीं दूंगा। मैं कह देता हूँ कोई सैंपल नहीं दूंगा। आप लोग सोच भी कैसे सकते हो कि मेरा आलोक इस दुनिया में नहीं है। नहीं नहीं, देखो मैं बोल देता हूँ। मोहन जी सीधे बैठ जाइए, चलिए आइए, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपका आलोक जिंदा है, मैं तो चाहता हूं कि आलोक जिंदा ही हो, मगर इसकी तसल्ली के लिए हमें आपका सलाइवा सैंपल जरूरी है, ताकि हम डीएनए टेस्ट करके ये पता लगा सकें कि आलोक जिंदा है ना? डॉक्टर बाबू। जी सर। हाँ बताइए सारों के साथ, अब कौन सा नया ट्विस्ट आ गया केस में? बस इस लाश का डीएनए मोहन जी के डीएनए के साथ मैच होता है, मतलब ये लाश पायल के पति आलोक की ही है। हाँ तो इसमें ट्विस्ट क्या है? हमने भी तो यही अंदाजा लगाया था कि ये लाश आलोक की हो सकती है। ट्विस्ट आना तो अभी बाकी है। ट्विस्ट ये है जनाब कि इस उंगली का मतलब आर्यन का डीएनए भी मोहन जी के डीएनए के साथ मैच होता है। मतलब ये आर्यन भी मोहन जी का ही बेटा है। लेकिन मोहन जी ने ये बात हम लोगों से छुपाई क्यों? ये क्या? पूरा घर उथल पुथल किया। हाँ मोहन जी, मोहन जी पायल, देखो पूरा घर शांत, देखो कहाँ पर मोहन जी पायल, मोहन जी पायल, मोहन जी पायल। सर, ऐसे बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ ये? किसने किया ये? और फिर मोहन जी और पायल कहाँ? साहब वो ले गया उन्हें। कौन ले गया? ये तो पता नहीं कौन था, पर हाँ बहुत गुस्से में था साहब। तो दिखता कैसा है वो आदमी? साहब चेहरा नहीं देख पाया उसका, तो उसने चेहरे पे मास्क पहना था साहब, पर हाँ साहब उसके हाथ की एक उंगली कटी हुई थी। उसके हाथ की उंगली नहीं थी तो आर्यन है। सर इसका मतलब आर्यन जिंदा है? साहब वो मोहन साहब को बोला कि उन्हें नहीं छोड़ेगा, और पायल मैडम ने बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी साथ में लेकर चला गया वो। कहाँ जाने की बात कर रहा था? पता नहीं साहब, पर हाँ वो भूरे रंग के ट्रक में लेकर गया है। ये सब हुआ कब? यही कुछ सब आधा घंटे पहले। आधे घंटे पहले मतलब ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ये कंट्रोल रूम को फोन करो, कहो कि पूरे शहर में नाकाबंदी करें, ये भूरे रंग का ब्राउन कलर का टेम्पो हमें चाहिए ही चाहिए। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? छोड़ दो हमें। ताकि अपने देश के लिए मेडल ला सकूं। निशानेबाजी में छोड़ दो हमें प्लीज। आर्यन, लेकिन सीआईडी वाले तो कह रहे थे कि आर्यन मर चुका है। अरे ऐसे कैसे? पिताजी की आज्ञा के बिना तो बेटा कुछ भी नहीं करता, और आप चाहते हैं
कि आपका आशीर्वाद लिए बिना मैं दुनिया से नहीं 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 मैंने कहा पायल आगू पिताजी है? क्या हुआ चौंक गए पिताजी मैं आपका बेटा याद नहीं आया अरे आप मुझे और मेरी माँ को कोलकाता छोड़कर आ गए थे अकेले अभी भी याद नहीं आया याद आया हाँ ये सब उसी का बदला माफ करो बेटा बेटा माफ करो मैं मजबूर था बेटा सॉरी पिताजी मैं भी मजबूर हूँ पिताजी क्या करूं आपका बेटा हूं ना आप ही का खून दौड़ रहा है मेरी रगों में तो ये उले 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 उले। माफी जैसी अच्छी चीज हो नहीं ना सकती फिर मेरे अंदर है ना पहले आप मुंबई आए वाह 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 दूसरी शादी की वो भी एक अमीर औरत से मुझसे ज्यादा प्यार दिया मेरे सौतेले भाई आलोक को और आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ कर दूं मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मौत देने आया सिर्फ मौत बेटा बेटा तुम्हें अपनी माँ की कसम बेटा जानते हो ये बदला लेने के लिए मैंने कितनी कुर्बानियां दी हैं ये देखो अपनी उंगली तक काटते मेरे देखो पिताजी देखो अरे तुम तो रह गई तुम भी देखो पहले मैंने तुम्हारे आलोक को मारा उसके बाद उसकी लाश डाली तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में और तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक्स फेल कर दिए फिर मैंने अपनी उंगली काटी और उसे वहीं पर फेंक दिया जहां तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था ताकि सबको यह लगे कि आलोक ने गुस्से में आकर पहले तुम्हें मारा उसके बाद मुझे लेकिन तुम तो बड़ी होशियार निकली हैं वहां से बच गई लेकिन मौत सबको दूसरा मौका नहीं दी पर तुम्हें दे रही एक बार फिर से मरने का तुम लोग बाहर जाकर जरा नजर रखो अगर सीआईडी वाले आए तो मुझे खबर कर दे ठीक है बदले से कोई बड़ा नहीं बनता आर्यन पर तुम्हारा बड़प्पन उसी में क्या हमें छोड़ दो वैसे भी आलोक की मौत के बाद ये जिंदगी सजा से ज्यादा और कुछ नहीं है हमारे लिए हमें छोड़ने में ही तुम्हारा बदला पूरा होगा जाने दो प्लीज जाने दो वाह फिलॉसफी है डायलॉग तो बड़े अच्छे मार लेती हो है ना लेकिन इतने भी अच्छे नहीं मारती हो कि एक मुजरिम का मन बदल सके समझी अब मरने के लिए तैयार हो जाओ ये भूरे रंग का ट्रक कोई भी नहीं उस तरफ सर
ओह नो मोहन जी, मोहन जी ये तो मर गए सर। हाँ? पायल जिंदा लेकिन खून बहुत बह गया। एम्बुलेंस को फोन करो दिव्या जल्दी से। जी सर। ये आर्यन कहाँ छुप के बैठा है, ढूंढो उसे। सर So he's dead. Sir, इसकी एक उंगली भी कटी हुई। ओह, तो ये चक्कर है। ये मनीष नहीं है, ये आर्यन है। आर्यन अपने पिता और आलोक से बदला लेने के लिए इसने अपनी उंगली तक काट दी। सर पर ये मरा कैसे होगा? पायल के हाथ में गन है ना? एक बार ये होश में आ जाए तो पता चलेगा क्या हुआ था यहाँ पे। हॉस्पिटल ले चलो इसे। सर अब कैसी हो पायल? ठीक हूँ सर। वो कहते हैं ना, जिसके सर पे ऊपर वाले का हाथ होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मगर ये सब हुआ कैसे? सर आर्यन ने पहले मेरे ससुर जी को गोली मारी। नहीं, उसने मुझे गोली मारी। प्लीज आर्यन मुझे मत मारो, आर्यन प्लीज छोड़ दो मुझे। गोली मुझे कंधे पर लगी, उसे लगा कि मैं मर गई। मेरे करीब आया, मैं उठी और उसके साथ हाथापाई हो गई। उस हाथापाई में गलती से गोली चल गई और आर्यन मारा गया। तो आप मुझे भी गिरफ्तार करेंगे? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल गिरफ्तार नहीं करेंगे। तुमने तो अपनी जान बचाने के लिए सब किया है ना। नहीं, कानून इसका ख्याल रखता है। एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाए चली जाऊंगी शहर से, दूर, बहुत दूर। नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करूंगी। ठीक है पायल, बेस्ट ऑफ लक। चल जी, जाने की तैयारियां हो गई। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मैं आप ही लोगों से मिलने आ रही थी, सोचा जाने से पहले एक बार आप लोगों से मिल लूं। ओह नहीं नहीं, अरे हमने तो तुम्हारे लिए तोहफा लाया है, आपकी नई जिंदगी जो शुरू होने वाली है। मेरे लिए तोहफा? थैंक यू सो मच। श्रेया सर, तो पायल कैसा लगा तोहफा? क्यों तोहफा पसंद नहीं आया? मेरी गाड़ी में गन। क्या बात है, आपने तो गन पहचानी नहीं। पायल जी ये वही गन है, वही गन जिसमें से गोली चली आर्यन पर और गोली चलाई आपने। ने
नतीजे से कहा था कि आर्यन की गन में से गोली चली, नहीं गोली तो आपने इस गन से चलाई थी। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, मुझे नहीं पता कि मेरी गाड़ी में कहां से आई। गलतफहमी तो आपको हो रही है पायल जी, अभी दूर करते। सचिन इनकी गलतफहमी दूर करो। निकल उठा सो। ये देखिए। क्यों पायल जी, ये तोहफा तो पसंद आएगा ही, सभी को पसंद आता है ये तोहफा, है ना? बस पायल बस, बहुत हो गया भागना भगाना। हाँ झूठी कहानी सुनाई थी मैंने, पर उसमें सब कुछ झूठ नहीं था, बहुत कुछ था जो सच था। आर्यन बदला लेना चाहता था अपने सौतेले भाई आलोक से और अपने पिता मोहन से, और इसलिए आर्यन ने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा दिया ताकि तुम उसकी मदद कर सको, है ना? पर वो ये नहीं जानता था कि जब वो मोहन और आलोक को मार डालेगा तो मैं भी उसे धोखा दे दूंगी और सारी दौलत मेरी हो जाएगी। तुमने आर्यन को इसलिए धोखा दिया क्योंकि उसने तुम्हें धोखा दिया था तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक्स फेल करके। मगर तुमने अपने पति और ससुर का खून क्यों करने दिया? मारते थे वो लोग मुझे, जानवरों से भी बदतर सलूक करते थे मेरे साथ, नौकरों की तरह रखते थे। मुझे सिर्फ यही एक रास्ता नजर आया, अपना आत्मसम्मान वापस पाने का। अगर हर कोई अपना आत्मसम्मान पाने के लिए खून पर खून करते जाएगा तो क्या होगा समाज की व्यवस्था का, क्या होगा? बहुत बड़ी गलती की कानून को अपने हाथ में लेकर, बहुत बड़ी गलती की। कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, तुम्हें शायद फांसी ही होगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.